सो हे यंग ट्रैवलर्स, आई एम बैक अगेन। एंड आज का इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा ये है कि मैं आपके साथ बहुत दिन हो गया, बहुत दिन क्या, मैं तो कभी भी आपसे बात नहीं किया, अरसे बीत गए। सो आज का वीडियो कॉन्वर्सेशनल होने वाले हैं आपके और हमारे बीच में, ताकि आगे के जितने भी सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनके बारे में हम डिटेलिंग में बात कर सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो अभी थोड़ा सेटअप कर लेता हूँ मैं, क्योंकि आपको बैकग्राउंड नॉइज बहुत सारे सुनने को मिल रहा होगा, लाइट भी थोड़ा सा डिम है, तो चलो थोड़ा लाइट फ्लैश लगा लेते हैं। सस्ती सेटअप है डूड, क्या करें अपन, पैसे पैसे करके चला रहे हैं। वैसे मैं काफी टाइम से वीडियो नहीं बनाया था, बिकॉज मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि मतलब एक साथ दो तीन कॉन्टेंट बना रहा हूँ ना। अभी बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि आप मोटो व्लॉगिंग शुरू कर दीजिए, मोटो व्लॉगिंग बनाना चालू कर दीजिए, बट यू नो मोटो व्लॉगिंग एक अलग जॉनरा है, या फिर बोल सकते हैं एक अलग कंटेंट, मतलब वो एक अलग कंटेंट बनाने का स्टाइल है, जिसमें आई डोंट थिंक सो कि मैं अच्छा कर पाऊंगा अभी। तो बात अभी अटक जाती है यहाँ पर कि हम किस तरह से चैनल में वीडियोस आगे अपलोड करें। तो बात एकदम सिंपल है यार, देख रहे हो पीछे कैसे आवाज हुई, देख रहे ना, इन सारे डिस्टर्बेंस के साथ वीडियो बनाना पड़ता है। इससे बेहतर है कि मैं घर से बाहर चला जाऊं और घर के बाहर जाके वीडियो बनाऊं। सो लगाते हैं अपना आरजीबी वाला सेटअप, तो लेंस को एडजस्ट करते हैं थोड़ा बहुत। नहीं, किस तरफ, हाँ अब हो गया शायद से, हाँ अब ठीक है। अब हम थोड़ा माइक लेके आएंगे। माइक किधर गई, सो माइक को कनेक्ट कर देते हैं। हो गया। सो थोड़ा आगे नीचे सब सही है, हाँ अब ठीक। सो बहुत टाइम से मैं सोच रहा था कि मैं वीडियो अपलोड कर दूं, लेकिन क्या हो रहा था, मेरे को समय नहीं हो रहा था एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, ताकि आगे के जितने भी सारे ब्लॉग्स हैं, आगे के जितने भी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, मैं उनको एक सिस्टमेटिक वे में आगे लेके जाना चाहता था। सो ये एक कॉन्सेप्ट वीडियो है जहाँ पे मैं बताऊंगा कि आगे के प्रोजेक्ट्स कैसे हम करने वाले हैं। एंड ये है कुछ टेम्पलेट्स, आपको दिख रहे होंगे, मई से दिसंबर तक का जो हमारा सफर है हम उसको अच्छे से बना के रख दिए हैं। सो आप जैसे कि देख सकते हैं, सो आई हैव प्लान टू मॉडिफाई माय बाइक इन द मंथ ऑफ मई, एंड मई के मंथ में हम गाड़ी को अच्छे से मॉडिफाई कर देंगे, हर पॉसिबल मॉड्स को मैं अपनी गाड़ी पे लगाने की कोशिश करूंगा, जो कि इनिशियली परफॉर्मेंस को ना बढ़ाए बल्कि मतलब गाड़ी का जो लुक है, एपीरियंस है, उसको थोड़ा एनहांस कर दे। After all, I took this bike to modify और उसको एक महीने के अंदर मैं जितना हो सकता है उतना मॉडिफाई कर दूंगा, एंड मुझे आप कॉमेंट में बताएं कि मैं अपनी गाड़ी के साथ क्या क्या मॉडिफाई करवाऊंगा। सो मुझे भी अच्छा लगेगा कि अगर आप लोग मुझे फीडबैक्स देंगे कि बाइक को मैं किस तरीके से मॉडिफाई करूँ। जैसे ही मैं का महीना खत्म होगा तब तक हमारी गाड़ी की सारी मॉडिफिकेशन खत्म हो चुके होंगे, फ्री हो जाएंगे। तो जून के महीने में हम जाएंगे ट्रैवलिंग करेंगे लोकल एरिया में। प्लान किया हूँ इस बार अपने एरिया के टॉप 50 प्लेसेस को डिस्कवर करूँ, उनको डॉक्यूमेंट करूँ अच्छे से और आपको रिप्रेजेंट करूँ। तो जितने भी सारे दोस्त हैं मेरे उड़ीसा में रहते हैं या उड़ीसा के बाहर रहते हैं, जो पूरा उड़ाने का प्लान कर रहे हैं, उनको मदद हो सकती है, बिकॉज मैं कोशिश करूंगा कि बजट और डायरेक्शन और जितने भी सारे अच्छे अच्छे मतलब इंटरेस्टिंग जगह हैं उनको कवर करूँ, उनके बारे में अच्छे से डिस्कस करूँ आपको। सो लोकलाइजेशन को पहले खत्म करेंगे क्योंकि अभी बजट का वादे है ब्रो। सो जैसे ही जून का महीना खत्म होता है अगला प्रोजेक्ट हमारा शुरू हो जाएगा जुलाई में। आई हैव प्लान टू विजिट द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इन द मंथ ऑफ जुलाई, बिकॉज़ वहां मैं कभी गया नहीं हूँ, और मैं ट्राई करूंगा कि उस व्लॉग के दौरान मैं आपको
मैं साउथ इंडिया की सबसे बेस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर करके दिखाऊं। मैं साउथ इंडिया इसलिए जा रहा हूं क्योंकि इससे पहले मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है वहां उसके कल्चर को या फिर उसके नेचर को, सो इट विल बी गुड स्टार्ट फॉर मी अगेन। एंड उसके बाद जैसे ये जुलाई का महीना खत्म होगा, सो दीस थ्री कंसेक्यूटिव मंथ्स यही सारे प्रॉब्लम्स होती है। जैसे ही मेरा ट्रिप खत्म होगा, I have not planned anything in these three consecutive months, August, September and October, because the monsoon would be in my doorstep, और monsoon के सीजन में ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हो जाता है हर किसी के लिए। तो वैसे कुछ प्लान नहीं किया हूँ अभी तक, क्योंकि अगर मुझसे कोई प्लेसेस मिस हो गए होंगे या फिर कोई प्रोजेक्ट अपलोड करने में देरी हो गई होगी तो मैं उन तीन मंथ में उनको कवर करके अपलोड कर सकता हूँ और जो भी चीजें मुझसे छूट गई होंगी मैं उन पे फोकस कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सपोज कि मुझसे कुछ छूट गया हो, एक नया लोकेशन हो या फिर अगर कुछ आप सजेस्ट कर दें तो मैं उन तीन महीनों में उनको अच्छे से टाइम दे पाऊंगा और मैं ट्राई करूंगा कि उन तीन महीनों में उन सब चीजों को मैं कवर कर लूं। देन मूविंग अहेड टू द मंथ ऑफ नवंबर, नवंबर में मैं अपने दोस्तों को मिलने जाऊंगा, माय बेस्ट फ्रेंड हु इज लिविंग इन उत्तराखंड, सो उस बहाने हमारी उत्तराखंड की ट्रैवलिंग हो जाएगी और आपके लिए ब्लॉग्स बना लूंगा मैं। एंड मैं ट्राई करूंगा कि कम से कम 10-12 अच्छे प्लेसेस को जाऊं और उसका एक सेपरेट ब्लॉग बनाऊं आपके लिए ताकि आपके बजट में भी फिट बैठ जाए वो सब। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मंथ मतलब दिसंबर, और इसी के साथ हमारी जो 2023 की जो ईयर होगी वो खत्म हो जाएगी। बट इस साल मैं प्लान किया था कि इस दिसंबर मैं जम्मू एंड कश्मीर जाऊँ, बट उसको मैंने थोड़ा सा शेड्यूल में आगे को धकेल दिया है। सो इस बार का प्लान अगेन टू विजिट हिमाचल एंड टू एक्सप्लोर द ब्यूटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, और मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा और मैं उसके ऊपर ज्यादा भी डिटेल्स ना दूं तो भी अच्छा है, क्योंकि ऑन द वे मैं आपको नए नए अपडेट्स देता चलूंगा और अगर सब कुछ सही रहा और बजट भी बन गया तो ये जितने भी सारे प्लान्स हैं हमारे वो सक्सेसफुल हो पाएंगे। अगर नहीं हुआ तो ऊपर वाला जाने। सो कमिंग बैक अगेन विद सम इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, मैं ट्राई करूंगा कि हर हफ्ते एटलीस्ट दो वीडियो मैं अपलोड कर सकूं और उससे ज्यादा हो गए तो बहुत अच्छी बात है, मगर मैं ट्राई करूंगा क्योंकि यार मैं बहुत उलझा हुआ हूँ, मैं घर के काम में उलझा हुआ हूँ, मेरे खुद के स्टडीज हैं और यू नो बीइंग फ्रॉम मिडिल क्लास, लेकिन ये सब चीजें अब नहीं हो सकते हैं। तो इसी के साथ एंड करते हैं आज का ब्लॉग। कीप वॉचिंग एनी ब्लॉगिंग्स।